हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आज ये वाला ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को क्लिप कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं मेकअप करने से पहले स्किन केयर करूँगी ताकि मेरा मेकअप बिल्कुल नेचुरल लगे। तो यहाँ मैं रोज़ वाटर लगा रही हूँ, फिर लॉरियल का सीरम लगा रही हूँ, उसके बाद मैं लगाऊँगी मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं अपने फेस को थोड़ा देर के लिए रेस्ट दूँगी, उसके बाद मैं अपना पहले आई मेकअप करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मिस क्लेयर का आईब्रो किट है, इससे मैं ब्राउन और ये ग्रे शेड को मिक्स करके अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी, जो भी गैपिंग है दोनों साइड के आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैं स्पूली के साइड से कोम कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे लॉरियल का मैं कंसीलर ले रही हूँ अपने आईब्रो को शार्प दिखाने के लिए, और आई मेकअप का बेस मैं रेडी कर रही हूँ। तो इसे मैं स्प्रेड कर लूँगी और फिर ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं लूज़ पाउडर के हेल्प से इसे सेट कर लूँगी, ये के ब्यूटी का लूज़ पाउडर है। उसके बाद मैं नायका का काजल ले रही हूँ, इसे मैं स्मोक आउट करूँगी इसलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, इससे मैं ब्राउन कलर को लेके काजल के ऊपर अप्लाई करूँगी और आईलिड तक मैं अप्लाई करूँगा, और फिर ट्रांजिशन शेड लेके मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद ये शिमरी ब्राउन शेड को लेके मैं अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी। मैंने दोनों आई का मेकअप कर लिया है, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, नायका का है। उसके बाद मैं स्किन में ग्लो लाने के लिए ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ग्लो वाला। उसके बाद मैं मेरे जहाँ पे भी डार्क सर्कल है उसे हाइड करने के लिए मैं ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ, ये एलेगर्ल का है। फिर मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, ये मेबलिन का फाउंडेशन है, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। तो इसे मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। आप जितनी अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे मेकअप उतना नेचुरल लगेगा। फिर मैं यहाँ पे सेम कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ अंडर आई के पास, नोज़ के अराउंड, और थोड़ा सा लिप के अराउंड भी अप्लाई किया है मैंने। फिर मैं फेस को कंटूर करूँगी, ये एलेगर्ल का है, कंटूरिंग वाला शेड है, ब्राउन शेड है। तो मैं नोज़ को और चिन को थोड़ा शार्प दिखाने के लिए और फोरहेड के पास मैं कंटूर कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद ये मैं टिंट यूज़ कर रही हूँ, लिप एंड चिक टिंट, इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर मैंने अपने मेकअप को सेट कर लिया है आइज़ के पास और अपने लिप के अराउंड, जहाँ जहाँ क्रीज करता है वहाँ मैंने सेट कर लिया है। मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, हाइलाइटर ये नायका का हाइलाइटर है, ये गोल्डन शेड में है। तो मैं इसे अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं वहाँ हाइलाइटर यूज़ करके फिर मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है। फिर मैंने काजल लगाया है, काजल को थोड़ा सा स्मोक आउट किया है ब्राउन कलर के शेड से। फिर मस्कारा लगा रही है, मेबलिन का मस्कारा है, अपर एंड लोअर लैशेज में अच्छी तरह से कोट कर रही है। उसके बाद ये इनसाइड की लिक्विड लिपस्टिक है, इसे मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसका डार्क थोड़ा सा कलर लग रहा था इसलिए मैंने ये नायका का शेड अप्लाई कर लिया ऊपर से। तो और हेयर स्टाइल बना लिया, ज्वेलरी पहन लिया और एक बिंदी लगा ली। तो ये था मेरा आज का फाइनल लुक, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।